अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हम कभी कभी माशरे में बढ़ते जुर्म पर भी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं, साथ में बदलती ज़हनियत, हैवानियत का बढ़ता दायरा क्या इस समाज को पूरी तरह से तबाह करेगा, इन मसाइल पर आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। पहले उन वारदातों का जिक्र करते हैं जो पिछले कुछ अरसे में ही पेश आई होंगी। आप आखिर तक बने रहिए, वीडियो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा। जो पिछले कुछ अरसे में पेश आई है उन वारदातों का जिक्र करते हैं कि किस तरह रिश्ते दागदार होते जा रहे, आखिर समाज की क्या दिशा और किस सिमत में माशरा चल पड़ा है, ये भी समझने की जरूरत है। इन बातों पर तस्करा कुछ लोगों को अच्छा भी ना लगे, पर ये दहकते मसाइल हैं, इन पर तवज्जो के साथ इसका हल निकालना भी इसी समाज की जरूरत है। यकीनन मोबाइल इस दौर का सबसे बड़ा फितना है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, नौजवान, लड़का, लड़कियां सभी इस फितने में मुलविस है। पर आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं उस पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस इंतहा तक हम जा पहुंचे, क्योंकि फहश फिल्मों को देखकर जिन हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है यकीनन इंसानियत शर्मसार हो जाती है। कुछ वारदातों का जिक्र जरूरी समझता हूं ताकि वालिदैन भी अपने लाडलों को महंगे एंड्रॉइड फोन देकर ये न सोचे कि सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। नजर रखें, इनके मोबाइल को बार बार चेक करें, बच्चों की हरकत पर बारीकी से नजर रखें, क्योंकि अब बच्चे बचपन में ही जवान हो रहे हैं। क्योंकि आज के जो बच्चे या नौजवान नस्ल, आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल है। उम्मीद यही करते हैं कि इसी नस्ल से कोई दीनदार सामाजिक खिदमतगार लीडर बने जो इस समाज की रहनुमाई कर सके। लेकिन जिस तेजी से फैश और यानियत का बाजार लगा जा रहा है, जहां जहन खौफ जरा हो जाता है कि आखिर इस समाज में और क्या क्या देखना बाकी है। मुजरिम कोई आसमान से नहीं उतरते बल्कि हमारे अतराब में ही, और हो सके तो हमारे ही घरों में पनपते हो। फहश यानी पोर्न वीडियो बच्चों तक पहुंचना उन्हें किस तरह ज़हनी मरीज बना देता है और किस तरह के जुर्म में वो मुलव्विस होते जाते हैं, इसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। पोर्न कंटेंट देखने के बाद ज़हनी मरीज बनता है और अपने घर वालों से दूर रहने लगता है। घरों में वो ज्यादा बातचीत न करते हुए ज़हनी सोचो फिक्र में मुब्तला नजर आता है। जिस्मानी तौर पर भी वो कमजोर होने लगता है, चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। लिहाजा नतीजा ये होता है कि इसे किसी रिश्ते का लिहाज नहीं रहता। अब तो फिल्मों में भी फहश और यानियत के साथ मर्द औरत के नाजायज ताल्लुकात को खुलकर पेश किया जा रहा है, यहाँ तक टीवी सीरियल में भी। अब तो बची कुछ कसर ओटीटी कंटेंट पूरा कर रहा है। बात शुरू करते हैं रेवा मध्य प्रदेश से, जहां महज 13 साल का लड़का फहश फिल्मों को देखने का आदि हुआ। फिर इसने अपनी ही बहन जो सिर्फ 9 साल की थी उसका रेप यानी अस्मत रिजी की, और अस्मत रिजी के बाद छोटी बहन जो महज 9 साल की थी जब अपने पिताजी को बताने की बात कही तो उस लड़के ने उसका कत्ल ही कर दिया। खैर और भी 3 बहनें हैं, पर अफसोसनाक पहलू यह रहा कि पूरे घर वाले उस 13 साल के मुजरिम को बचाने में लग गए। इसके और भी तफसीलात है जिसमें हम जाना नहीं चाहते, लेकिन माशरे की इस तस्वीर ने तो गोया झिंझोड़ के रख दिया है किस तरह समाज में रिश्ते दागदार हो रहे। देर रात तक मोबाइल पर क्या देख रहा है या देख रही है इसका ख्याल कभी वालिदैन को नहीं आता, और जब कुछ हादसा पेश आता है तो वक्त गुजरा हुआ होता है। मोबाइल पर फहश फिल्में देखने का फीसद बदकिस्मती से बहुत हद तक बढ़ चुका है, जिसके नतीजे में इंसान हैवान बनता जा रहा है। और अगर खासकर मुस्लिम समाज के नौजवानों की बात कही जाए तो दिगर समाज के मुकाबले में यकीनन पीछे, ऐसा कहकर हम इत्मीनान जरूर कर सकते हैं। बात को हिंदू मुस्लिम इस तरह बांटना नहीं है, क्योंकि जुर्म का कोई मजहब धर्म से रिश्ता नहीं होता। ये एक सामाजिक बीमारी है, एक मर्ज है, और इस मर्ज पर पूरे समाज को ही मेहनत करनी होगी। बजायर कोई शख्स आपको बड़ा नेक नजर आता हो, पर हकीकत में कुछ और रहता है। वैसे तो मिसालों की एक लड़ी लगी हुई एक तवील फहरिस्त है, पर कुछ एक वाक्य हम यहाँ पर पेश करना जरूरी समझते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला में हाफिज दिल नवाज को इसी तरह की फिल्में देखने का शौक था। अब मदरसे में पढ़ने वाले 9 साल के लड़के के हाथ पांव बांधकर गलत काम को अंजाम दिया। जब लड़के ने घर वालों को बताने की बात कही तो उसे हाफिज दिल नवाज और हाफिज रुकमुद्दीन ने गला घोंट कर जान से मार दिया। लाश को ले गए और वहां के करीब के खाई में फेंक दिया, और फिर खुद ही पुलिस थाने में लापता होने की फरियाद दर्ज करने पहुंच गए, पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए पकड़े जाने की बात कही गई। इसी तरह मुंबई के शीला फाटा मंदिर में 3 साधुओं ने मिलकर एक खातून का रेप किया, इन्हें भी हिरासत में लिया गया। अब भगवा लिबास पहनकर किस तरह की हरकतों का अंजाम दे रहे हैं, और ये भी कोई नई बात नहीं रही। इन तमाम मामलों को किस पस मंजर में देखा जाए, आप ही बताइए। आखिर रिश्ते दागदार क्यों हो रहे हैं, कौन कहां हैवान घूम रहा है, किस तरह से उसने शराफत का नकाब ओढ़ा हुआ है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा फैश फिल्में इसकी वजह बताई जा रही है,
और यह हकीकत भी है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कमसीन उम्र के लड़का लड़कियां फैश फिल्मों के आदि होते जा रहे हैं। अगर मुल्क समाज माशरे का मुस्तकबिल यूं ही बर्बाद होता रहेगा तो जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? बच्चों के हाथ में महंगे मोबाइल अब तो स्टेटस सिंबल माना जा रहा है। रिश्तेदार होने की बातें इसलिए भी करना जरूरी हो जाता है क्योंकि अब कौन किस उम्र का लड़का लड़की औरत मर्द बुजुर्ग किस हालत में पकड़े जाते हैं कह नहीं सकते। अब इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो है मऊ होसी उत्तर प्रदेश में 70 साल के ससुर ने 35 साल की बहू से शादी की। इस खबर को न्यूज चैनलों ने भी कवर किया। मंदिर में कुछ लोग खड़े हैं और इस शादी के वो गवाह भी हैं। तमाम कहानी बताना जरूरी है, पर क्या ये रिश्तों को तार तार करने की वारदात नहीं है? वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उन्हें ढूंढ रहे, 10 दिन से लापता होने की बात कही जा रही है। उन्होंने शादी की वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाली हुई। एक और वीडियो देखिए, ये बिहार गोपालगंज का है। इन्होंने तो दो कदम और आगे जाते हुए मामी और भांजी ने शादी की। दोनों 3 सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस थाने के करीब दुर्गा मंदिर में मामी और भांजी ने शादी की। खैर, आखिर इस तरह की जिनसी ख्वाहिशात को जगह इन्हीं फहश फिल्मों से मिलती है और अब तो इनबिल्ट ही फॉरेन साइट्स मोबाइल में पाए जाने की बात भी बताई जा रही है। इस मौजू पर बोलना जरूरी इसलिए भी था कि जिस काम को दुनिया की रहबरी के लिए भेजा गया था अब फहश हुरियानियत की गंदगी में तबाह होती देखी जा रही है। दूसरों के मुकाबले में कम यकीनन एक इत्मीनान पक्ष कह नहीं सकते तो ये भी एक तबाही की तरफ एक कदम कह सकते हैं, लेकिन हकीकत को भी समझना जरूरी है। इन मसाइल पर उमूमन कोई भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये वो आग है जो तमाम माशरे को जलाकर राख कर देती है। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरों का छोड़िए हमारे माशरे में कैसे अल्लाह का वली पैदा हो सकता है जो इंसानियत की रहनुमाई कर सकता हो? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि अगर माशरे को तबाह करना हो तो माशरे में फहश कामों को आम कर दो, नौजवान नस्ल अपने आप बर्बाद हो जाएगी। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि फितने बारिश की बूंदों की तरह बरस रहे। दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला यह कौम तब ही कर सकती है जब इसका दामन पाक शर्म हया के लिबास ओढ़े हुए हो, इसका ज़हन और दिल कलमे तैयबा की मुबारक जिक्र से सरोशार हो। आज हम देख रहे हैं कि गली मोहल्ले में मुस्लिम नौजवान एक दूसरे को गाली गलौज के साथ बुलाते हैं। आखिर क्या बात है कि आप सलाम भी एक मुसलमान भाई को नहीं कर सकते? कॉलेजेस में असातिज़ाओं का काम है कि बच्चों पर नजर रखे। यकीनन आज की नस्ल पर मेहनत करना जितना जरूरी है उतना मुश्किल भी है, क्योंकि यह नौजवान नस्ल तरबियत से कोसों दूर है। आपको ही ज्ञान देने के लिए तैयार रहेगी, बुजुर्गों की हिदायत पर अमल तो दूर, उनका एक तरह से मजाक बना दिया जाता है। खैर, समाज में फहश हुरियानियत की बढ़ती गंदगी घरों के करीब पहुंच चुकी है, अब दामन को बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ लोग हो सकता है कि इस मसले को तस्लीम करेंगे नहीं मालूम नहीं, लेकिन हकीकत है कि समाज में फहश हुरियानियत की आग लगी हुई है। जरूरत है हमें अपना दामन बचाने की, क्योंकि हम दौर फितन के दौर का हिस्सा है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अप्रैल को थाना जावा के एक ग्राम में एक सूचना मिली थी पुलिस को सुबह कि एक 9 साल की बच्ची है जिसके साथ रेप और मर्डर हुआ है, और जिसके आधार पर तत्काल वहां पे वरिष्ठ अधिकारी गए थे और पूरे घटनास्थल पूरे सभी साक्षियों के कथन वगैरह लगातार लिए जा रहे थे। 2-3 दिन तक खुलासा उसमें नहीं हो पाने पे फिर इसमें SIT एक गठित की गई थी, और जिसमें फिर IG सर, DI सर और मेरे द्वारा और सभी के द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया, तो एक एडिशनल SP देहात विवेक लाल के अंतर के द्वारा एक इसमें SIT उनके नेतृत्व में SIT गठित की गई थी, और जिसके आधार पे फिर जब फिर पुनः पूरी टीम के द्वारा इन परिजनों से पूछताछ किया गया तो फिर सभी ने अपना अपना घटनाक्रम इस पूरा कबूल किया है। और जो घटनाक्रम ये पाया है कि जो बड़ा भाई था वो मृतिका के साथ वो सो रहा था बाहर आंगन में, और उसकी बड़े भाई की कुछ आदत पड़ गई थी कुछ वीडियो देखने की जो मोबाइल पे आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, अश्लील वीडियो हैं, अश्लील साइट्स हैं, तो उसने संभवतः या तो उसी दिन देखा, अभी तो उसी दिन का बता रहे हैं लेकिन हम सारी टेक्निकल जांच उसकी कर रहे हैं, या संभवतः पहले भी देखा होगा। तो उसके बाद रात में उसने अपनी बहन का गला मुँह दबा के उसके साथ गलत काम किया, और उसके उपरांत बहन ने फिर रोना स्टार्ट किया कि मैं अपने पिता को पूरी बात बता दूंगी, तो वो डर गया और फिर अपनी माँ को जगाया, उसी बीच में उसका गला दबाने की भी कोशिश उसने किया।
फिर माँ जगी है, माँ जब जगी है तब भी उसको थोड़ी सांसें चल रही थी, लेकिन जो बताया है उन्होंने कि उसके सामने ही फिर उसने पूरी तरह से उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और उसके उपरांत फिर दोनों बहनें थीं, एक नाबालिग बहन है एक बालिग बहन है, वो एक नाबालिग बहन शोर आवाज़ सुन के उठी थी तो उसको पूरा घटनाक्रम बताया, फिर एक बालिग बहन अन्य कारण से उठी तो उसको भी पूरा घटनाक्रम बताया, फिर चारों लोग ने मिलकर इस घटना को कैसे छिपाया जाए उसके बारे में उन्होंने पूरी प्लानिंग की। शुरुआत में उन्होंने दिग्भ्रमित करने के लिए कहा कि घटना ही ना बताई जाए, तो उन्होंने कीड़ा काटने का उन्होंने पहले डॉक्टर को बताया कि शायद मेरी बच्ची को या उसको कीड़ा काट लिया उससे उसकी मृत्यु हुई है। और फिर उसके बाद किसी ने दो डॉक्टर के पास गए, पुलिस के पास नहीं गए, फिर एक जगह पे किसी ने इनके ही किसी संबंधी ने देखा कि उसको बच्ची को ब्लड निकला है। और फिर जिसके बाद फिर उन्होंने फिर जब तीसरे डॉक्टर के पास गए, सरकारी डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने फिर उसको बताया कि रेप और मर्डर है इसमें, तो उसके बाद फिर इन्होंने अपने घर पे लाकर फिर पुलिस को सूचना उसमें दी गई थी और फिर पुलिस की विवेचना उसमें जारी हुई थी। तो इसमें दो अपचारी बालक हैं और दो बालिग आरोपी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। माँ भी आरोपी है? जी बिल्कुल, माँ भी आरोपी बनी इसमें।